हई वकील साहनी फकुआ के आ गेल बड़ा सोनपुर पहले जाय घाट से दुगो लगावे खातिर हो ए वकील साहनी ओए ए है ना त कहे ने हां ई शिवान के शेर ह हां आ तू एगो छपरे के शेर हो हां तैयार गुंजन कैसेट कंपनी में दिखा दे कि तू असली शेर हो कि हम असली लाल भाई बड़ी ऐठल आ ऑइस के बॉयस गइल हां त ई ऐठल कौना काम के बा हां काजी हां जी नाम हमार वकील ह हां हम जज के सामने इतना बहस करब कि जज मजबूर होके बेल दी ना मन बत जेल दी आ जेलो में खचराई करब त सेल दी आ वहू से ना मन बत तीन नंबर में धके अच्छा भैया ध्यान दे हम ब्यास सौर लाल साहनी ग्राम सरया थाना हुसैनगंज जिला सिवान बिहार के निवासी बनी तमाम भोजपुरिया समाज के यूपी बिहार झारखंड जहाँ तक ले हमार भोजपुरी भाषा बोलल जाला सब भोजपुरिया भैया खाए हम प्यार खाती अभिलाषी बनी आज बड़ी खुशी के बात बा एमुना हई वकील साहनी फकुआ के आ गेल बड़ा सोनपुर पहले जाय घाट से दुगो लगावे खातिर हो ए वकील साहनी ओए ए है ना त कहे ने हां ई शिवान के शेर ह हां आ तू एगो छपरे के शेर हो हां तैयार गुंजन कैसेट कंपनी में दिखा दे कि तू असली शेर हो कि हम असली कहले कि हमार नाम हो वकील हम जीरा पर जीरा करी ले तो तहार नाम हो वकील तो इनकर नाम है अवधला गिटारा इस सर ब्यास में सब पीछे पर खींच ले ले छा आ तू ब्यास ना हो वकील साहनी हमारा बुझाता कि तू रौजा मेला के गाय भैंस के हौ दलाल आई आज दुगुला के माध्यम से गुंजन कैसेट कंपनी जे कर प्रोपराइटर बनी भाई डीएन सिंह राठौर जी आई है तो गीत के भाव लगल एक जना एक जनी से कहले कैसे लगही पिया परचे नहीं फस गइलु तू यार से कहीं पियावा परचे नहीं फस गइलु तू यार से पता चली जहिया भेंट होई भगार से ओ दिन पता चली जहिया भेंट होई भगार से भर मत रहलु बन के कुकुर बिलार हो बड़ा निहोरा पर तब भइले मालिक के उपकार हो चौरासी में भर मत रहलु बन के कुकुर बिलार हो बड़ा निहोरा पर तब भइले मालिक के उपकार हो मानो देहिया मिलल बाटे मानो देहिया मिलल बाटे सोच तनी विचार से मोहनी पता चली जहिया भेंट होई भतार से ओहो दिन पता चली जहिया भेंट होई भतार से ओहो दिन पता चली जहिया भेंट होई भतार से
तड़पत रहलू हर पेट में अपना माई के वादा कैलू भजन करे आके रघुराई के में तड़पत रहलू मैं अपना माई के वादा कैलू भजन करे आके रघुराई के गीत लिखल हकाम निवासी दांत के डॉक्टर टूना दुबे जी के टूना यो धलाल कहे टूना यो धलाल कहे मुकुर गैलू सरकार से पता चली जहिया भेंट होई भतार से दिन पता चली जहिया भेंट होई भतार से आई भैया आज एगो हम कथा रखतनी महाभारत खील भाग हरिवंश पुराण से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह कवि कथा लगल सुनो ज्ञानी सुनो ज्ञानी एक सुंदर कहानी सुनो ज्ञानी एक सुंदर कहानी कहानी सुनो ज्ञानी एक सुंदर कहानी सुनो ज्ञानी एक सुंदर कहानी एक समय के बाद भैया द्वापर जी की कथा हो गुरु जी हमर सर लिखतनी व्यास के व्यास व्यास शिरोमणि श्री सुखनंद जादव जी के एक कथा के पहले एक शैर के भाव लगता विदर्भ देश के राजा भीष्मक हुए वीर बलवान धर्म धुरंधर प्रतापी थे छतरी वंश महान जेकरा राज के राजधानी कुंडलपुर में परत रहे राजा भीष्मक के पांच को बेटा रहले और एक बेटी रहली जेकरा जाना बेटी के नाम रुक्मिणी रहे एक दिन के बाद तो राजा भीष्मक के बेटी हर रुक्मिणी दुलारी प्राण से प्यारी रहली हर प्राण से प्यारी रहली अंग अंग खिलल काचा नार प्राण से प्यारी रहली अंग अंग भइले काचा नार प्राण से प्यारी रहली पांचगो भाई भाऊ जाई के दुलारी प्राण से प्यारी रहली पांचगो भाई भाऊ जाई के दुलारी प्राण से प्यारी रहली पांचगो भाई भाऊ जाई के दुलारी प्राण से प्यारी रहली रूपावा के रहली भानादार प्राण से प्यारी रहली बाबा के रहली भानदार प्राण से प्यारी रहली एक
कदीना नारद बाबा चपप मुरारी विदर्भ मझारी ओइले मुरारी विदर्भ मझारी ओइले राजा भीष्म के दरबार विदर्भ मझारी ओइले विदर्भ मझारी ओइले राजा भीष्म अपना पूरा फैमिली के साथ में पूरा परिवार के साथ में अपना सिंहासन पर बैठल रहले वही बेरा बीणा बजावत हरि गुण गावत आ नारद बाबा आ गईले तब बीणा बजावत नारद बाबा आ गईले हरि गुण गावत नारद बाबा आ गईले नारद बाबा गईनी हरि गावत नारद बाबा गईनी बीणा बजावत हरि गुण गावत नारद जी राजा भीष्मक के दरबार में पहुंचने राजा भीष्मक देखले वकील साहनी एंगन समझा के गावे के बा कथा के एंगन गवाला सीखा यही में दर्शावे के बाद जहां ये लोग देखो कोई तेरा बीमारी देखो धोई ताकत तर एक शहर के भाव लागल हृदय पे भाई से तंत्र का जाना तो पिया समझ नहीं तो पाई निकलो जाना तो पिया समझ नहीं तो पाई निकलो जामना के भाई समझनी राजन बाबू ई त कसाई निकलो आई एकरे के तो हम फुवार जान के बिया कोई नहीं है मनोज शर्मा प्यास की ई त सात लइका के माई निकलो जवाब देबे के बता रहा राजा नारद जी के देख करके सिंहासन छोड़ करके उड़ के जा करके बोर्ड पर गिर गईले गुड़ छा लहले गंगा जल से बाबा के चरण धोले चमरित पान खुले पूरे परिवार के लोग पियोले राजा भीष्म कहले के ए बाबा और बड़ी खुशी की बात बा कि रौरा हमर दरबार के ओइनी है बेटी हमार शादी करे जुग हो गई बड़ी इनकर हस्त रेखा देखी किनकर दुल्हा इनका जोगे दुल्हा की बाई दुनिया में उन्हीं से अपने बेटी रुक्मिणी के हम विवाह करते हैं कैसे बाबा जब रुक्मिणी के हाथ निकलवा करके दिखले तब मुस्किया करे नारद बाबा कहत रे कि ए राजा बा हाथ ना सुनत बाबा मन मुसुकैले चन विचार रहे हरे राजा हो ताहर बेटी जग जननी हरे लक्ष्मी जिली हलिया वतार रहे मथुरा में जन्म ले खुला में खेल ले हरे कंस के कईले संहार रहे सब क्षत्रिय लोग के हर मन मरत न करी हे ब्याह कर के करी हे विवाह बिहार रहे बियाह करे के कारी हे बियाह हे पुरुष
सब प्रकृति हर कृष्ण रूप मीरा हर सुख नंदन जगत आधार। नारद जी कहने की राजा तहर बेटी जन जन्म लेले बड़े इस साधारण लड़की ना है साक्षात माई लक्ष्मी है जन तरह के ही रुक्मिणी रूप में जन्म लेले बड़ी जब मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में खेलल जब कंस संहार कई वही भगवान श्री कृष्ण से अपने बेटी रुक्मिणी के तू विवाह कर दो। बाबा के बाद नारद जी के बाद मैं परिवार के लोग के अच्छा लागल बढ़िया लागल कि बाबा बढ़िया उपदेश देतनी बढ़िया सलाह देतनी। लेकिन राजा के एक लड़का रहे जनक नाम रहे रुक्मी उठ के खड़ा हो गई कहत कि ए बाबा ए हे बाबा कहत था कि काहे करता रो अहिर के पराई ए बाबा दुनु भाई चरवले वृंदावन में गाई ए बाबा दुनु भाई चरवले वृंदावन में गाई ए बाबा समाज में एगो अहिर के बड़ाई रो रख करत तनी हम जानत तनी नहीं भइले संस्कार दुनु रह गइले गांवार नहीं भइले संस्कार दुनु रह गइले गांवार कवना आश्रम में आश्रम में पढ़ले पढ़ाई ए बाबा दुनु भाई चरवले वृंदावन में गाई ए बाबा दुनु भाई चरवले वृंदावन में गाई ए बाबा ए बाबा ए हम जानत नहीं ए बाबा सुने कोई ले जरा सुन से पाए नई खे जिंदगी के खाए कोई ले जरा सुन से पाए नई खे जिंदगी के खाए ये बाबा भैया भैया बहुत रुकनी ये ना रखा बाबा बन के की दर कमना गीदर कमला बन में भाग पराई ए बाबा दुनु भाई चरवले वृंदावन में गाई ए बाबा दुनु भाई चरवले वृंदावन में गाई ए बाबा ओ कृष्ण और बलराम के बड़ाई मत बतियाई बोले के हम जीवन नी हम जान जानी जीवन कैसे अहिर पे यही है भीष्म कराज दुलारी के राज कुमारी के ना कैसे अहिर भी अही है भीष्म कराज दुलारी के विदर्भ राज कुमारी के ना छतरी के लड़की से विवाह कैसे करी हम जानत नहीं उनका बाप के भी हाल उनकर बाप कंस के रीड़ी उनकर बाप कंस के रीड़ी कैसे ले जाई हे रुक्मिणी उनकर बाप कंस के रीड़ी कैसे ले जाई हे रुक्मिणी
बाली सलाना बनी है वो हीरा को बयानारी के विदर्भ राजकुमारी के ना। ए नारद बाबा हमारा बहिन के विवाह जीते जी कृष्ण से ना हुई, हमारा बहिन के विवाह हुई चतिये चेदी देश दम्भोज के लड़का शिशुपाल से हुई। इतना बात कह के आओ सभा से बहरी हो गई चल गई। इन्हें जरा संत के लगे इन्हें सखी लोग रुकमणी से पूछल की काहो तहार का मन बा, तू केकरा से बियाह करबू, शिशुपाल से बियाह करबू आके कृष्ण भगवान से बियाह करबू। तो रुकमणी कहत रही कि मन में बस गईले मोहन मुरारी, हर जब से कह गईले नारद ब्रह्मचारी, मन में बस गईले मोहन मुरारी। रुकमणी कहली कि हे सखियो नारद जी के मुंह से कृष्ण के वो बांसुरी बजाए वाला के वर्णन सुन करके हम बियाह करे तो कृष्ण से बियाह करे ना तो जीवन भर हम तुम्हारे रहे। आए ने रुकमी कोई बा जरा संत के लगे आ जा करके कहता कि हे जरा संत, हमारा पिताजी हमारे दादा भाई माई पूरा परिवार के लोग के मन बा कि कृष्ण से रुकमणी के विवाह कर दहल जा तहार का राय बा। रुकमी के बात सुनकर के आजारा सौंद कहता कि सगाई शिशुपाल से होई, शिशुपाल से होई हो, शिशुपाल से होई हो सगाई शिशुपाल से सारी मर्दनवा को नहीं हम मर्दनवा अतुल गावला तर मऊ गावा को नहीं गावला। अरे सगाई शिशुपाल से हत रही सब सब परी लठी बच जाई, सगाई शिशुपाल से होई रही सब सब परी लठी बच जाई, सगाई शिशुपाल से होई कि ना ना कोनो कीमत पर कृष्ण के संग विवाह तेरा बहन रुकमणी के ना हुई ना हुई। आ रुकमी ऐसे विरोध कइले रहे कि रुकमी जो रहे सहयोगी रहे जरा संध के आ जरा संध के दामाद कौन से रहे आ कौन के पद भगवान श्री कृष्ण जी कइले रहे, ऐसे रुकमी ना चाहो कि हमरा बहन के विवाह वो कृष्ण से हो। शादी शत्रुता मित्रता होला समान के साथ, राजकुमारी कैसे जय हर कृष्ण को वाला के हाथ, तो शादी कृष्ण से जाती हो जाए तो छत्र करना को कोटी जाए, सगाई शिशुपाल से अरे सगाई शिशुपाल से तो रही सर से बड़ी लड़की बच जाए, सगाई शिशुपाल से सबरी लाठी बच जाई, सगाई शिशुपाल से होई। रुकमणी के स्वमरा चाही देश देश में पाती जाई, छत्रपति राजा जे होई उहे स्वमर में आई, कृपति ने जाई मथुरा में सिंहासन नाती आई, सगाई शिशुपाल से होई अरे सगाई शिशुपाल से होई, सुखनंदन गुरु से जितिया लिखाई, सगाई शिशुपाल से होई सुखनंदन गुरु से जितिया लिखाई, सगाई शिशुपाल से होई। कथा ए जो हमर विराम लगत वकील भाई आओ 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 आ करके करा आगे गा के सुनाओ ना तो ढोलक झाल उठाओ आ सीधे सोनपुर पहले जा घाट के भाई अवधलाल साहनी जी उर्फ मिसाध बाबा के माध्यम से रुआ गुंजन म्यूजिक के माध्यम से जेकर प्रोप्राइटर मालिक माननीय भैया ब्यास डॉक्टर डीएन सिंह बानी आ बहुत बढ़िया अपन अदा करके अवधलाल भाई गए।